वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ भुना गोश्त की रेसिपी, जिसके लिए मैंने पॉट में ऑयल डाल दिया है और इसमें अब हम शामिल करेंगे प्याज और इसे हमने ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है। प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर, मटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें रूटीन के मसाले शामिल करेंगे, यानी कि हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, जीरा, गरम मसाला। मिर्ची हमने कलर वाली भी ली है और देगी मिर्ची भी ली है, तो दोनों मिर्चों को आपको इसमें इस्तेमाल करना है फॉर नाइस कलर। अब हमने इसमें जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट था उसी का पानी हल्का सा शामिल किया, तकरीबन 2 चम्मच। अब हमने इसे 15 से 20 मिनट तक, हम इसे कुकर में नहीं बना रहे हैं, भुने गोश्त को भून के ही पकाया जाता है, तो हमने इसमें इसे 15 से 20 मिनट तक इसे इसी तरह से भून भून के मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ 15 से 20 मिनटों के बाद। देखिए गाइस, 15 मिनट हो चुके हैं और मसालों ने अच्छे से तरी छोड़ दिया है, ये आप देख सकते हो इस तरह से, और हमारा मटन जो अच्छी तरह से भून चुका है। अब हमने इसमें टमाटो का प्योरे डाला है, फ्रेश टमाटो प्योरे है, और इसे हमने अभी तक पकाना है ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट अगेन, तब तक हमारे मटन पूरी तरह से गल नहीं जाता। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मटन भुना हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, हो चुका है। अब हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ और ये तैयार है।